अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेजबान तारिक अंसारी। प्रोग्राम की राय में और आप देख रहे हैं 97 न्यूज। और आज हमारे पास एक बहुत अच्छी सेलिब्रिटी अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे, आरफ नियाजी साहब जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। अरे भाई, सबसे पहले बताएं, जहाँ तक मैंने सुना, मुझे इन्फॉर्मेशन, दो तीन शोबे आपके पास हैं, एनवायरनमेंट के वाले से भी है, पीटीआई के अंदर भी आप हैं और टाइगर फोर्स के वाले से भी हैं आप हैं, तो ये आप अकेले बंदे हैं, तो ये तीन चार शोबे में आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आरफ खान नियाजी, इसमें हम ज़कात को भी डील कर रहे हैं अपने हल्के में, टाइगर फोर्स को हम यानी कि लाहौर लेवल पर देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह साथियों के साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर काम हो रहे हैं। तो अभी इन्वायरमेंट के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये इन फ्यूचर अब बेहतर नज़र आ रहा है पिछली गवर्नमेंट के में, या ये ज़्यादा? सर, इस वक्त जो हमारा इन्वायरमेंट है, जिसमें जंगलात को भी कह लेंगे, माहौल को कह लेंगे, बहुत बेस्ट हो रहा है। कई इलाकों में मिलियन के लाभ हिसाब से हम लोग ने दरख्त लगाए हैं और लगा रहे हैं, और आज भी इंशाल्लाह ताला हर मास पर हम लोगों ने कम अज़ कम 300 दरख्त लगाए हैं, जहाँ पर अलीम खान साहब भी पहुँचे हुए थे जी। जी अच्छा, अरे अभी जो क्रिटिकल हालात है, करंट इशू, जो अभी इशू तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो कराची का रेनी डे के वाले से है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, बात यह है कि एक कराची को सिर्फ एक इशू बनाया गया था शुरू से, 40 साल से उसको फोकस ही नहीं किया गया, हालांकि रीढ़ की हड्डी है कराची पाकिस्तान के लिए, और तमाम मामला तो जो तजारत के हैं, किसी किस्म के हमारे मामला हैं, वहीं पर डील होते हैं, वहीं पर सारे काम होते हैं, लेकिन उसको फोकस नहीं किया गया, कोई सफाई के मामलात नहीं किए गए, उसको देखा नहीं गया, तमाम मामलात उनके जो भी फंडिंग वगैरह हुई है तमाम खुद बुद किए गए हैं। तो फर्स्ट टाइम खान साहब ने कराची को फोकस किया है, उनके माइंड में था कि शायद कोई 600-700 करोड़ रुपये का बजट होगा, लेकिन खान साहब ने उनकी माइंड से भी ज़्यादा तकरीबन 1100 करोड़ रुपये का बजट दिया है, और इंशाल्लाह ताला ये वफाक के अंडर में ये काम होगा, और एक इसकी अलहदा लाहमल अलहदा कमेटी तैयार होगी। नहीं, वो बजट तो आपने दे दिया, अभी जो नुकसान हुए लोगों के, जानी माली नुकसान हुए, उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? वो आप क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट आप ही लोगों की ना, जो आप वो जा रहे हो पीछे छोड़ दें, जो अभी वो तो अभी आपने फंड दे दिया, तो अभी जो जानी और माली हालत नुकसान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें आपके ऊपर इशूज ज़्यादातर आता है या दूसरी गवर्नमेंट जो? सर, उसमें तो आप बिल्कुल, ये आपको वाजे नज़र आ रहा है कि 40 साल से एक इलाके को, वहाँ पर एक डिफेंस का एरिया भी है, तो उसको भी आप देखें, उसके हालात इतने बुरे अबतर हैं कि उनके घरों में पानी चला गया, हालांकि डिफेंस एक बहुत पोश इलाका है, लेकिन अफगान साहब ने एक कमेटी तैयार की है वहाँ पे कि उसका तमाम मामले देखे जाएं, कहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ है, कहाँ नुकसान कम हुआ है, तो तमाम को देखते हुए तमाम लायमल तैयार होगा इंशाल्लाह। इन फ्यूचर यानी आप कह रहे हैं कि बेटर होगा? बहुत बेटर होगा इंशाल्लाह ताला, और हर लिहाज से और हर महकमे को एक्टिव किया जाएगा, जो नुकसान जो मामले शुरू से चल रहे थे, अब वो मामले नहीं होंगे, अब इंशाल्लाह ताला वफाक के अंडर में काम होगा जी। नाज़रीन, आरफ नियाज़ी साहब की आपने राय सुन ली, वो पीटीआई की सियासी और समाजी एक कारकुन है, और आइए उनसे मुलाकात है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम जी कामरान अली है, मैं पीटीआई में सियासी और समाजी मामलात को देखता हूँ, और अपने हल्के में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम करवाए हैं। आज मैं आप लोगों को टाइगर फोर्स के हवाले से इन्फॉर्म करूँगा कि टाइगर फोर्स बेसिकली कैसे फ़ाल है, और टाइगर फोर्स जो है वो किस तरह के काम कर सकती है, और टाइगर, कुछ लोगों को इबहाम है काफ़ी किस्म का, ये टाइगर फोर्स क्या है, टाइगर फोर्स कैसे काम करती है। टाइगर फोर्स के पास बेसिकली एक ऐप है जी, जिसके ऊपर वो काम कर सकती है। ऐप के अंदर वो मस्जिद को चेक कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को चेक कर सकते हैं, इसके अलावा जहाँ नर्ख ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, उसको चेक कर सकते हैं, और इसके अलावा मुतद्दद एक ग्रीन सेल्फी प्रोग्राम भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने शुरू किया है, उसको भी देख सकते हैं। और इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐप आप लोगों के मोबाइल में मौजूद है, आपने ऐप पे जाना है, और जहाँ पे आपको वायलेशन होती नज़र आ रही है, आपने बस एक पिक लेनी है, वहाँ पे लोकेशन सेंड करनी है, अदारे खुद नोटिस लेंगे इसका कि क्या करना है, कैसे करना है, अदारे इसको खुद वॉच करेंगे। टाइगर फोर्स का काम है सिर्फ निशानदेही करना, इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी चीज़ में, बहसबाजी नहीं है किसी भी चीज़ में। टाइगर फोर्स ने अपना काम करना है, जो उसकी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर उसको वायलेशन, जो SOPs गवर्नमेंट ने बताए हैं कि जी इन इन चीज़ों में आप टाइगर फोर्स इस्तेमाल, मतलब मुदाखलत कर सकती है, उसमें भी मुदाखलत इस सूरत में करनी है कि आप लोगों ने बस एक पिक लेनी है, नीचे राइट करना है मैसेज कि सर ये वायलेशन है, बाकी फिर इदारों का काम होगा कैसे इसको देखें। तो सर, आप क्या समझते हैं, ये जो आप इम्प्लीमेंट जिस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं टाइगर फोर्स, ये इन फ्यूचर ये सक्सेस होगा ये जो प्रोजेक्ट आपका? देखिए जी, टाइगर फोर्स बेसिकली तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और टाइगर फोर्स ने काफ़ी जगहों पे आटे की निशानदेही की है, चीनी की निशानदेही की है, और काफ़ी माफियाज़ को बेनकाब कर रहे हैं। हमारी तो यही इंशाल्लाह ताला दुआ है, दुआ भी है और कोशिश भी है कि ये टाइगर फोर्स आगे चले, क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। माफियाज़ को ऐसे हम नहीं पकड़ सकते, इधर बहुत माफियाज़ हैं, चीनी में भी, आटे में भी, और सरकारी इदारों में, सरकारी कोई इदारा भी काम करना नहीं चाह रहा,
सरकारी इदारा आप पहले स्केल से लेके 22वें स्केल तक चले जाएं, करप्शन के बगैर कोई मामला आपका हल हो ही नहीं सकता। तो अभी जब से टाइगर फोर्स अभी तैयार हुई है तो क्या आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं, कहां तक आप सक्सेस हुए हैं इस चीज़ के बारे में कि आपने काफ़ी वायलेशन पकड़ी, आपको कहाँ तक आपका रिजल्ट पहुँचे? देखिए जी, इसमें हुकूमती भी थोड़ी सी कोताही मैं कहूँगा कि है, क्योंकि टाइगर फोर्स अभी तक मुकम्मल फाल नहीं हो सकी। टाइगर फोर्स जहाँ पे फाल है, कुछ अजीज़ भट्टी टाउन में है, कुछ इसके अलावा और टाउन्स में है, जहाँ पे टाइगर फोर्स फाल है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है, रेगुलर काम कर रही है और डेली रिपोर्ट कर रहे हैं वो। लेकिन कुछ जगहों पे अब जिस तरह हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे अभी तक इन लोगों ने अटेंडेंस ही पूरी नहीं करवाई, लोग अभी तक आगे मामला को लेकर चल ही नहीं सके, वो मामला वहीं पर रुका हुआ है। अब इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी इन्वॉल्वमेंट करके इनको फौरी तौर पर फाल किया जाए। तो इसके अंदर जो हमारे जो यंगस्टर हैं नए, क्या वो आ रहे हैं डे बाई डे ज़्यादा से ज़्यादा? अभी तक तो देखें जी, उस्मान डार साहब के मुताबिक 10 लाख जो लोग हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और आइंदा वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान भी किया है कि इसको हम यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तक भी लेके जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला और भी लोग, अभी भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं, डेली लोग इसमें अपलोड होते हैं, डेली लोग इसमें शामिल होने का इजहार भी करते हैं कि हम भी इसमें आना चाहते हैं। और ये एक रज़ाकाराना फोर्स है, इसमें भी कुछ सैलरी नहीं है, कुछ ऐसा मामला नहीं है, और अभी ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ये बेहतर समझते हैं कि इसको आगे कैसे चलाना है, सैलरी लगानी या नहीं लगानी, ये फैसला भी वही करेंगे। यानी अभी तक इसका कोई सैलरी पैकेज नहीं है? अभी तक कुछ नहीं है इसमें। जी शुक्रिया बहुत ज़्यादा। ले नाज़रीन, अभी कामरान साहब हमारे साथ थे, इसके साथ ही हमारे आज का वक्त, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए।